कुत्सित मानसिकता का ये परिचायक है कि जिस तरह की भाषा संसद में और संसद सदस्य बोलता है, उग्रवादी कहता है, ये शब्द हैं एक सांसद के, हमारे कितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश विदेश में देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, किस तरह से जो नया भवन बनाया उसका मुहूर्त किस तरह से हो रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से एक संप्रदाय विशेष को, एक समुदाय विशेष को इस तरह से गालियां दी गई और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सर कल आपका भी एक बयान आया था, बीजेपी सड़कों पर उतरी है, पुतले फूके जा रहे हैं, कहा जा रहा है। मैंने कोई बयान नहीं, वो अपने पापों को छुपाने के लिए इस तरह का बात कर रहे हैं। मैंने तो सच्चाई बात की थी, हमारे भाई देहात में आपके यहाँ भी कहते होंगे भाई, जो 50-52 साल से जो अपनी पत्नी को छोड़ रहे, बताओ आपके यहाँ क्या कहते हैं? हमारे तो या तो जिसकी पत्नी डेथ हो जाती है या जो पत्नी को छोड़ देता है तो 50 साल से छोड़ रखी है, व्यतीत हो रही है, तो उसको हमारे तो उसमें मैंने कोई गलत बात नहीं की, हमारे तो ये आम भाषा है। सर बीजेपी कह रहे कि आप माफ़ी मांगे, अगर गलती भी हो जाती है तो माफ़ी मांग ले। माफ़ी तो मांगना चाहिए पहले नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने किस तरह से हमारी शीर्षस्थ नेता श्रीमती सोनिया गांधी को, क्या नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ी मांगी? मैंने तो कहा ही नहीं कुछ भी। उन्होंने तो किस तरह से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा शशि थरूर के, उसको किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं इनके जो शीर्षस्थ जो नेता है, वो पहले अपना आप को सुधार करें और पीछे किसी को नसीहत दें। हमने कोई गलत बयानी नहीं की है, जो सच्चाई थी वो हमने की है और हमारा कोई इरादा भी नहीं था, वो भी हमने कोई ना नाम लेके कहा ना कुछ कहा, हमने ऊपर नीचे कहा।